बच्चों, कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको मैं ये बता दूं, अब सामाजिक विज्ञान 4 भागों में, इसकी अलग अलग पुस्तक है बेटा। उसमें आप भाग 1 में राजनीति विज्ञान, भाग 2 में इतिहास, भाग 3 में भूगोल और भाग 4 में आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज अपन राजनीति शास्त्र भाग 1 में संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों, अपन ने लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया था। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे संविधान निर्माण अध्याय 2, जो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान कैसा था, क्या था, इसके आगे पढ़ेंगे अपन। आप इसका परिचय जान लें पहले। पिछले अध्याय में आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, जो मनमानी के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम है जिसका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। देश में सर्वोच्च कानून के लिए हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, मान्यता और शक्ति और कामकाज के तरीकों के आधार पर, जो उनके तौर तरीके हैं, उन पर निर्धारित करता है। इसलिए अगर आप किसी देश में रहते हैं तो आपको जो संविधान के जो नियम है, सर्वोच्च कानून है, उनकी हैसियत से नागरिक, मतलब जो नागरिक है वह नागरिक और सरकार दोनों क्या है, उनका नियमों का पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। अगर आपने संविधान बनाया है तो उसको सरकार और नागरिक दोनों इसका क्या करेंगे, उनके कानूनों का पालन करेंगे। इस अध्याय में संवैधानिक रूप से बुनियादी सवाल उठाए, संविधान की जरूरत क्या होती है, संविधान कैसा बनता है, उन्हें क्यों बनाते हैं, संविधान बनाने का तरीका क्या है, किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान के आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, संविधान के बन जाने के बाद उसके बदलाव की स्थिति के अनुरूप बदलाव कर सकते हैं या नहीं। हाल में ही संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो किसने बनाया, नेल्सन मंडेला ने बनाया। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको मैं आज बताऊंगी, जिन्होंने गोरे प्रभुत्व के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया और उसे अश्वेतों के प्रभुत्व को क्या किया, उन्होंने विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक, नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत की कल्पना, समाज की कल्पना की है जिसमें सबको समान अवसर उपलब्ध हो, मतलब सबको सामाजिक और न्याय के क्या हो, समान अवसर प्राप्त हो और एक आदर्श जीवन, मतलब उनका जो जीवन हो वो कैसा हो, एक आदर्श हो और उसमें अगर जरूरत पड़े तो आदर्श के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नेल्सन मंडेला ने कहा कि समाज के लिए अगर जरूरत होगी और एक आदर्श संविधान, मतलब लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं उसे दे दूंगा। तो नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिस पर दक्षिण अफ्रीका में गोरे सरकार, मतलब वहाँ के जो गोरे लोग थे, देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें और उनके ऊपर देशद्रोह, मतलब उन्होंने जनता, मतलब जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की संविधान बनाने के लिए उनके ऊपर, तो उसके लिए वहाँ के गोरे लोगों ने उनके ऊपर क्या किया, एक मुकदमा चलाया। तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका का गौरव सरकार के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलाया। नेल्सन मंडेला का कथन है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने दूसरा उनका मुकदमा चलाया, आएगा देशद्रोह का, जो मतलब उन्होंने देशद्रोह का, मतलब देशद्रोह में उनका मतलब कानून तोड़ा है, उन्होंने चलाया गोरे लोगों से। दक्षिण
अफ्रीका की गोरों की सरकार ने उनके ऊपर क्या चलाया, दूसरा मुकदमा चलाया और उन्हें सात अन्य नेताओं 1964 में 23 में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का मतलब जो 1964 में वहां की जो शासन व्यवस्था थी उसको विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भी दे दी गई। तो नेल्सन मंडेला ने उसका विरोध किया जिससे उन्हें सात अन्य नेताओं के साथ 1964 में देश में रंगभेद चलाने में व्यवस्था के विरोध में क्या कर दी गई, आजीवन कारावास मतलब पूरे जीवन भर उनको कारावास में रहने की सजा दी गई। और वे क्या हुए, 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह मतलब डरावनी जेल रोपेव में द्वीप में कैद रखा गया। किसको, नेल्सन मंडेला को, क्योंकि उन्होंने एक अपना वहाँ के जो गोरे लोग थे वहाँ के जो उनकी नीतियाँ थी उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। इस कारण उन्हें क्या किया गया, देशद्रोह के मामले में या देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1964 में कई अन्य जो उनके साथ नेता थे उनके साथ उनको आजीवन कारावास दे दी गई। फिर इसके बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया, रंगभेद जो रंगभेद के खिलाफ गोरे और काले तो रंगों की वहां पर वो था, रंगभेद के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। व्यवस्था का नाम दक्षिण अफ्रीका के विशेष तौर पर चलाई गई, तो जो रंगभेद नस्लली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था थी उसका नाम था कि दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर जो चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका का एक जो दक्षिण अफ्रीका की जो व्यवस्था थी वो यूरोप के गोरे लोगों को लगा दी थी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने कहाँ से आए थे, यूरोप की कंपनी दक्षिण अफ्रीका का उसी तरह हथियार और जो जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को उन्होंने उलट कर काफी बड़ी संख्या में गोरों को दक्षिण अफ्रीका में बस गए, मतलब जो गोरे लोग थे उन्होंने जैसे भारत को गुलाम बनाया था वैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी क्या किया, गुलाम बना लिया और अफ्रीका में बस जाए, उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, किन्होंने, गोरे लोगों ने। और रंगभेद की राजनीति को लोगों में उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया, तो दक्षिण जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर वह स्थानीय शासन को जो गोरे लोग थे उन्होंने वहां का स्थानीय शासन भी अपने हाथों में ले लिया और वहां पर क्या किया, रंगभेद की आधार पर लोगों को बांट दिया, स्थानीय लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। आबादी वहां पर हिसाब 3/4 अश्वेत कहा जाता है, मतलब वहां पर जो लोग थे 3/3 लोग थे कैसे थे, वे अश्वेत थे। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और आबादी के आधार पर उसका 3/4 जो असलियत का उनको क्या किया, इसके अलावा कहा कि वह मिश्रित नस्ल में रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। भारत से गए लोग गोरे शासकों को गोरों के अलावा सबको छोटा व नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का भी क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। श्वेत और अश्वेत के अलावा मिश्रित नस्लों को रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत के लोगों मतलब जो वहाँ पे भारत के लोग थे गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा समझते थे, उन्हें काय का अधिकार नहीं था, वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। फिर 1950 में वहाँ पर अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले जो भारतीय मूल थे वहाँ पर जो 1950 में वहाँ पर कैसे लोग थे, अश्वेत वहां पर जो लोग थे अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के रंगों को इकबाल के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें प्रदर्शन किए और वहां पर हड़ताल करने लगे। जो वहां पर लोग हुआ करते थे अश्वेत लोग वो रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल को रंगभेद के खिलाफ क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया और
भेदभाव वाली इस प्रणाली का विरोध करने के लिए संगठन में काफी मतलब वहां पर एक संगठन बना जो नेशनल कांग्रेस के झंडे तले, वहां पे एक नेशनल कांग्रेस का झंडा था उसके तले, उसके नीचे मतलब उसके आधार पर एकजुट होकर वहां पर काय की स्थापना की गई। मजदूर संगठन पार्टी को भी शामिल हुए। समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद को समाप्त करने के लिए, मतलब वहां पर अगर गोरे लोग कुछ थे तो वो भी कुछ समझदार और संवेदनशील थे, वो चाहते थे कि गोरों की रंग भेद की जो नीति है वो क्या हो जाए, समाप्त करने के लिए आंदोलन में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्हें संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई और रंग भेद की निंदा के लिए भी क्या किया, उन्होंने आवाज उठाई। वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस के साथ मतलब कुछ गोरे लोग भी आए और उन्होंने संघर्ष के लिए प्रमुख भूमिका निभाई कि रंग भेद की निंदा की और आवाज उठाई कि गोरी सरकार हजारों अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोग की हत्या और हत्या करते हुए भी अपना शासन क्या करते थे, जारी रखते थे। तो वहां पर जो लोग आंदोलन में शामिल हुए वह कौन से थे, कुछ गोरे लोग भी थे कि चाहते थे कि जो जी मतलब रंग भेद की नीति है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और उसके लिए उस आंदोलन में भी वे जुट गए। फिर 28 वर्ष तक जेल में कौन कैद रहे, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला है, अपन कहाँ का संविधान पढ़ रहे हैं बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो वह कैसे बना और किसके किसके प्रयासों से बना, तो वहाँ पर जो नेल्सन मंडेला थे वो 28 वर्ष तक कहाँ रहे, जेल में कैद रहे। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि में दक्षिण अफ्रीका का गणराज्य का नया झंडा लहराया। तब उनको जब जेल से छोड़ा तो उनको आखिरकार उनका 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि दक्षिण अफ्रीका को एक क्या बनाया गया, गणराज्य बनाया गया और वहां पर झंडा लहराया गया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बनाया रहा जहां पर रंग भेद वाली शासन व्यवस्था क्या हुई, समाप्त हुई। मतलब इतने वर्ष 28 वर्ष के संघर्ष के बाद उन्हें वहां पर एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया और रंग भेद वाली जो नीति थी गोरे लोगों वाली शासन व्यवस्था की वो कैसी हुई, समाप्त हुई और सभी नस्ल के मिलकर मिली जुली सरकार का गठन का रास्ता खुल गया। ये सब कैसे हुआ, ये सब नेल्सन मंडेला के मतलब जो उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, आवाज उठाई तो उसके उनके माध्यम से वहां पर एक कब हुआ उसका गणराज्य का लोकतंत्र का निर्माण, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका में एक नया गणराज्य बना और वहां पे नए लोकतांत्रिक देश, और वह एक कैसा देश बन गया, नया लोकतांत्रिक देश बन गया और वहां पर मिली जुली सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ। तो ये आपने आज पढ़ा दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, उसके गणराज्य बनने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से यह जाने ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहने पे दो सप्ताह, दो मतलब वहां पे दो समूह थे, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण रंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करने लगे लोग, अपनाने पर क्या हो गए, सहमत हो गए। वहां पर दो क्या थे, एक दूसरे के दुश्मन रहने वाले दो समूह अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाने पर क्या हो गए, वहां के लोग सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भली मनसाहत पर भरोसा था। इसे तो जब 26 अप्रैल
1994 की मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका में एक नया गणराज्य बना, वहाँ पर लोकतांत्रिक देश बनाया गया, रंग भेद वाली व्यवस्था को समाप्त हुई और वहाँ पर सभी नस्ल के लोग क्या करने लगे, मिलीजुली सरकार का गठन किया। वहाँ के पे जब नई मिलीजुली सरकार बनी तो वहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन बने, नेल्सन मंडेला बने और उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाकर सहमत हो गए और एक दूसरे की भली मनसाहत का एक साथ मिलकर भरोसा था, एक दूसरे का सबको भरोसा था, मानने को तैयार हुए। दक्षिण अफ्रीका के सभी भी अच्छाई पर विश्वास करना, तब जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वह कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़े और सबको आस्था, मतलब सब में आस्था थी कि मनुष्य जाति का विश्वास करना चाहिए, करना ही हमारा लोकतंत्र का आधार है। मतलब जो भी है, अगर आप आस्था रखोगे, विश्वास रखोगे तो अच्छाई, और अच्छाई पर विश्वास रखोगे तो एक दिन आपको, मतलब जो जाति, उनका एक मनुष्य जाति का विश्वास था वह लोकतंत्र के आधार पर था और उन्होंने उसका भली मनसाहत का साथ नहीं छोड़ा तो उनको एक लोकतांत्रिक गणराज्य की वहाँ क्या हुई, स्थापना हुई। उन्होंने कहा आइए अब हम सभी नस्ल, मतलब नेल्सन मंडेला का ये वो है उद्बोध है कि आइए अब हम सभी नस्ल स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों को सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय अधिकारों का आधारित दक्षिण अफ्रीका का निर्माण, एक पार्टी के दमन और नरसंहार को जोर पर शासन, पार्टी की आजादी की लड़ाई पर अभी और नए संविधान के निर्माण के लिए, मतलब जो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सामाजिक न्याय मानव अधिकार पर आधारित जो दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करे और एक पार्टी के दमन और नरसंहार को जोर पर शासन, मतलब जो वहाँ की पार्टी थी उसको आजादी की लड़ाई की और नव संविधान के निर्माण में दोनों पार्टियों ने मिलकर उसको क्या किया, आगे निर्माण में दोनों साथ साथ आगे बढ़े। बच्चों आज अपन ने संविधान निर्माण में दक्षिण अफ्रीका का सिद्धांत के बारे में पढ़ा, वहाँ पर कितने वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे, कितने वर्ष, 28 वर्ष रहे और 17वीं और 18वीं शताब्दी के व्यापार करने आई यूरोप कंपनी ने वहाँ पर अपना क्या करा, वो वहाँ पर जोर जबरदस्ती से वहाँ पर अपना शासन कर लिया और वहाँ पर दो जो बना ली, एक रंग भेद की नीति बना ली और वहाँ अपना अधिपत्य जमा लिया और नेल्सन मंडेला थे जो, उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको 28 वर्ष तक क्या किया, जेल में डाल दिया, रखा रहा। फिर उसके बाद 1950 में आश्वेत प्रणालियों, मतलब जो थी वो दो रंगभेद प्रणालियों के खिलाफ क्या किया, उन्होंने संघर्ष शुरू किया और 26 अप्रैल 1994 को वहाँ पर क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या हुई, स्थापना हुई और वहाँ पर उसके बाद मिलीजुली सरकार बनी, वहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में और सामाजिक मानव के आधार पर दक्षिण अफ्रीका की पार्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ और वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई की और अभी भी नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों पार्टी के दोनों साथ बैठकर संविधान निर्माण के लिए आगे अनु क्या है, अगुवाई कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।